मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थावानी। मेरा उल्हास यानी मेरा, आपका, हम सबका शहर उल्हासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्हास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। उल्लासनगर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि हमारे शहर में रहने वाले छात्र ने IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम पास किया है, जिसका नाम है आशीष रावलानी। उसने अपने परिवार के साथ समाज का नाम भी रोशन किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि उसके एग्जाम्स में सिंधी भाषा का भी समावेश था। जय झूलेलाल, असा सभी सिंधु नगर वासियों यानी उल्लासनगर वासियों लाए ये तमाम बड़ी खुशखबरी है त असाजे उल्लासनगर के एक बार आशीष मदन रावलानी IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस UPSC जो एग्जाम पास किया है। उन यो एग्जाम पास करे न सिर्फ पेंजो नालो, पेंजे परिवार जो नालो, असांजे शहर उल्लासनगर जो नालो, असांजे सजे सिंधी समाज जो नालो रोशन किया है। आशीष सा एक खास गाली आहे त हुन भी सिंधी विषय में ये एग्जाम पास किया, यानी उनको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिंधी हुयो जैमें उन महारत हासिल कई। असी मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ जे टीम जे तरफा उनके बेशुमार वाधायू था दियूं ही कामना था क्यों त तमाम बड़ी पोस्ट ते पहुंचे, सिंधियत के कायम रखे, उल्लासनगर जो नालो रोशन करे, सदाई असाखे उनते गर्व थे। आशीष मदन रावलानी सा असी मुलाकात कंदासी, छो त हिन वक्त अञा हू दिल्ली में आहे, पर असी मुलाकात कई सी उनके मिटन माइटन सा, खास करे उन्हें जे पिता साहब सा, माता साहब सा, उन्हें जे चाचे सा, जातो सी त कड़े तरीके सा आशीष ही कीर्तिमान ही रिकॉर्ड बनायो है। ताचो मुलाकात जेका असी कई आ उन जा कुछ अंश, उन इंटरव्यू जा कुछ पार्ट्स तवाके दिखारियो था, जडे आशीष उल्लासनगर पहुंचंदो त असी तमाके रूबरू कराइंदासी मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में। खास कर एक गाल इते तमा सा शेयर करण चाहूं था कि असन जे उल्लासनगर में भी सिंधु यूथ सर्किल में UPSC जे एग्जाम्स की तैयारी थी रही है, जैमें 10-12 लेक्चरर्स प्रोफेसर्स सिंधी भाषा सिंधी बोली न सिर्फ UPSC जे स्टूडेंट्स के सेखारन था पढ़ाइन था बल्कि उनके ज्ञान भी दियन था। त असी यह भी कामना क्यों था त सिंधु सर्किल में जो कोर्स हली रो है सिंधी बारन जो त असा ये बार भी को वो रिकॉर्ड कायम कन ए भी पास थियन त जी असाजे शहर जो असाजे समाज जो नालो रोशन थे। जय झूलेलाल। दोस्तों, परसों रात से जैसे ये न्यूज़ आ गई कि मेरे लड़के ने आशीष ने UPSC में सफलता पाई है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये उल्लासनगर के लिए भी हमारे शहरवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये पहली बार, बहुत बरसों के बाद पहली बार हुआ है। और कल सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला जारी रहा, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आते रहे, कई सज्जन कई दोस्त लोग बार बार आशीष के लिए बधाई देते रहे। ये मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ये अचीवमेंट मेरे लड़के ने हासिल की है।
तो ये बहुत खुशी का दिन ही महसूस हो रहा है। 2017 में जब 11 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 5.5 लाख अपेयर हुए, और आप जानते हैं कि उसमें से 990 स्टूडेंट लोग को ये सफलता मिलती है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियरेंस की। सफलता की सीढ़ी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी प्रयास जारी रहेगा। जो लक्ष्य जो है कलेक्टर बनने का, उस पर जब तक ट्राई करते चलते रहेंगे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो IRS पहले पास हो जाते हैं, IRS हो जाते हैं, लेकिन अब भी जो समय आया, जो नया स्टूडेंट जो पहला नंबर आया वो IRS था, लेकिन कुछ समय के बाद आज वो भी फर्स्ट नंबर आके IAS कलेक्टर की पोस्ट उन्हें मिल गई है। तो वो प्रयास तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये मन में इच्छा है। मैं अपने पुराने समय की बात बताता हूँ, जब मैं ऑफिस में सर्विस थाना में था, तो कहीं एक फंक्शन था, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पुलिस के आए थाना के, उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं, बच्चे बड़े ऑफिसर भी बन जाते हैं, बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इस UPSC में सफलता पाते हैं। ये प्रयास जारी रहेगा तो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। तो वो आज मेरा भी सपना पूरा हुआ है, कुछ सफलता मिली है। स्टूडेंट लोग तो ये बहुत ही ट्राई करते रहते हैं, कई लोग एक दो साल अपीयर होने के बाद नाकामी मिलती है तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सफलता के लिए प्रयास जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये कठिन परीक्षा होती है, उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के सफलता मिलती है। आशीष 3-3.5 साल से दिल्ली में रह रहा है, वहीं पे पढ़ाई कर रहा है। असांजे आशीष हकीकत में तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट खयो IAS में, पर जेकॾहिं सिंधी सब्जेक्ट खणी करे ॿार जेकॾहिं इहा कोशिशि करे थो IAS ऑफिसर थियण जी, त इहा असांजे लाइ वॾे गर्व जी ॻाल्हि आहे। असांजे सिंधियत खे बि अॻिते हली जाम वाधारो मिलंदो, जेको सिंधी समाज में अगरि ॿार सिंधी सब्जेक्ट खणी करे ऐं इहा कामयाबी हासिलु कनि था, त इहा बि असांजे लाइ हिकु गर्व जी ॻाल्हि आहे। ऐं असांजे ॿार जेका कामयाबी अॼु हासिलु कई आहे, इन में असांजे सतगुरु बाबा जन जी आशीर्वाद जो वॾो रोल आहे। जॾहिं असांजो ॿार दिल्ली वञण जी सोचे पियो, त उन खां अॻु में असांजा बाबा जन बॉम्बे में आयल हुया, इन असांखे मैसेज आयो त असांजो ॿार डुकंदो डुकंदो कार खणी ऐं उते विरार हलियो ऐं बाबा जन खां आशीर्वाद वठी करे ई पोइ ई दिल्लीअ में वञी सेटल थियो, इन एग्ज़ाम जी तयारी कई। त अॼु सतगुरु माता सविंद्र जी जी कृपा सां, बाबा हरदेव सिंह जी कृपा सां ॿार खे कामयाबी मिली आहे। ॿारनि खे हिकु एनकरेजमेंट मिलंदो कि असांजे सिंधी ॿार UPSC जो एग्ज़ाम उल्हासनगर मां शायदि असांजो ॿारु पहिरियों आहे जंहिं UPSC जे थ्रू इहा कामयाबी हासिलु कई आहे। त अॻिते हली ॿारनि जे लाइ हिकु इहो एग्ज़ाम्पल उदाहरण रहंदो कि असां बि इहा कोशिशि कयूं, सिर्फ़ु इंजीनियर ऐं डॉक्टर ताईं महदूद न थी करे सिविल सर्विसिस में अची देश जी सेवा कयूं। इहो असांजे ॿारनि खे हिकु एनकरेजमेंट जो अॼु इहो पहिरियों ॾाको मिलियो आहे, जंहिंखे ॿार हली करे इन खे उत्साहित थी करे ऐं इहो कोर्स इहो एग्ज़ाम जी तयारी करे इन एग्ज़ाम में कामयाबी हासिलु कनि, त असांजे लाइ सिंधी समाज लाइ हिकु ॾाढी तरक़ीअ जी ॻाल्हि थींदी ऐं असांजे देश जे सेवा में बि असांजा ॿार भाग वठनि, त असांजे लाइ हिकु गर्व जी ॻाल्हि आहे। जीअं त पहिरियां बि असांजे फैमिली ॿुधायो त असांजे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज निरंकारी, उन जी वॾी आशीर्वाद रही आहे असांजे पूरे परिवार ते। असांजे पिता साहिब गुलाबचंद जी, उन्हनि बि इन ॿार खे सुठी शिक्षाऊं ॾिनियूं आहिनि, जेके अॻियां हली करे अॼु फल ॾेखारे रहियूं आहिनि। पेरेंट्स आहिनि आशीष जा, माता पिता आहिनि, उन्हनि बि काफ़ी महिनत कई आहे। आशीष ख़ुदि पाण एतिरी महिनत कई, 2 साल दिल्लीअ में रही करे हुन प्रिपरेशन कई ऐं उनजी कामयाबी उनखे मिली आहे। असांखे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी रही आहे। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास। अस्थमा एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति की हालत खस्ता कर देता है, लेकिन योग द्वारा इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की तरफ से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी यहां दी जा रही है। स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र एक ऐसा संस्थान है जिसकी तरफ से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर वैसे तो विभिन्न बीमारियों का इलाज होता है, नेचुरोपैथी से यहाँ पर हाल ही में गौशाला भी बनाई गई है, जहाँ पर गाय माता का दुग्ध पीकर भी लोग काफ़ी स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है वो धीरे धीरे विस्तार में जा रहा है, और पहले लाखों थे, अब करोड़ों लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस बारे में मेरा उल्लास की टीम लगातार यहाँ के योग शिक्षकों से मुलाकात करती है और उनके शिविरों के बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं।
तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं योग शिक्षक कमलेश जशनानी जी, जो आपको बताएंगे कि 1 मई के दिन पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जो है अस्थमा के केयर के बारे में। किस तरह होता है अस्थमा का उपचार, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। हाँ, धन्यवाद रमेश जी। आने वाली 1 मई को है विश्व अस्थमा दिवस, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस दिन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित करती है, जिसमें बताया जाता है कि इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो इसी सिलसिले में हम भी यह प्रोग्राम करने जा रहे हैं गोल मैदान मिड टाउन रोटरी पार्क में, सुबह 9 से 10। और उससे पहले 1 नंबर शिकारपुरी धर्मशाला में भी 8:15 से 9:15 यही कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि हमारे आश्रम में लंग्स कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हो चुके हैं, तो अस्थमा तो मामूली बात है। जो कुछ हम वहाँ आपको बताएंगे वो अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो 15 दिन में आपकी दवाएं छूट जाएंगी, पूरी गारंटी के साथ 15 दिन में आपकी दवाएं छूट जाएंगी। उसके बाद और प्रैक्टिस करनी है कि उसे जड़ से ख़त्म किया जाए। आप ये बताइए कि अस्थमा का कारण क्या होता है और किस तरह किस पद्धति से आप उपचार करवाते हैं? जी, अस्थमा का कारण है कि हमारी लंग्स की जो नलियाँ हैं, जिसे ब्रोंकाइल ट्यूब्स कहा जाता है, या श्वास नलियाँ, वे सिकुड़ जाती हैं, उनमें श्लेष्मा जम जाता है, टॉक्सिन्स जम जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसी क्रियाएं कराते हैं कि वो खुलती चली जाएं, वह श्लेष्मा हटता जाए, ब्रोंकाइल ट्यूब्स खुलते चले जाएं, और जो ये टॉक्सिन्स कहे जाते हैं, जिसे आम भी कहा जाता है, ये टॉक्सिन्स क्लियर होते जाएं लंग्स में से और हमारी लंग्स प्रफुल्ल होती जाएं। तो ये हैं कमलेश जी जो बता रहे हैं कि 1 मई के दिन पर इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। मैं उनसे एक बार फिर से विनती करूँगा कि इस संबंध में कहाँ संपर्क किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि यह निःशुल्क है या इसके लिए कोई फीस अदा करनी पड़ेगी। जी, यह पूर्णतया निःशुल्क है। स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र, हर जगह उनके जो योगाभ्यास चलता है पूर्णतया निःशुल्क ही होता है, यह प्रोग्राम भी निःशुल्क है। तो एक बार फिर आपसे बता दूँ, मैं सुबह 8:15 से 9:15 शिकारपुरी धर्मशाला 1 नंबर बस स्टॉप के नज़दीक है, और फिर बाद में 9 से 10 बजे मिड टाउन रोटरी पार्क गोल मैदान। कृपया सभी से बताएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन और सपना सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से शिकारपुरी धर्मशाला में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। श्याम की उड़ चल रही हो, श्याम
रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन एंड सपना सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से उल्लासनगर एक शिकारपुरी धर्मशाला सेकंड फ्लोर पे हम शहरवासियों के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया हुआ है। यह शहरवासियों को समर्पित है क्योंकि शहर में शांति हो, हर एक क्षेत्र में विकास हो, हर एक शहरवासी की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, ये सब सोच के रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन और सीनियर सिटीजन क्लब ने यह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से हमारे मिश्रा जी जो संत हैं वे अपने प्रवचन और पाठ करेंगे। वैसे तो हमारे जो क्लब के प्रेसिडेंट हैं गोपाल सुखवानी जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर आज इस प्रोजेक्ट के साथ एक और भी अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट हुआ कि एक विकलांग बच्चे को क्लब की तरफ से एक व्हीलचेयर का हमने प्रबंध करके दिया, जैसे उसका आने जाने का जो तकलीफ था, जो उसको पेरेंट्स या कोई दूसरे जो है कहीं भी लेके जाते थे, उसकी जगह पे उसको आज व्हीलचेयर मिल गई, तो उसका आने जाने का सुविधा जो है वो बढ़ गया है। हम गोपाल सुखवानी जी में अति विश्वास रखते हैं और बाकी का जो उनका क्लब का समय है उसमें और भी अच्छे कार्य करते रहेंगे। हम सभी न्यूज़ चैनल का आभार मानते हैं जिन्होंने हमारी ये कवरेज की। मैं रोटरी क्लब उल्लासनगर सपना गार्डन प्रेसिडेंट गोपाल सुखवानी आया। मैं जेके पंडित छत्तीसगढ़ में आया, मैं उनको शुक्रिया तो क्या, मैं पे क्लब जो टीम आ उनको भी शुक्रिया को जिन्हें साथ दिनों अज प्रोजेक्ट सक्सेस क्यों। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पूज्य चालीसा साहब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जरूरतमंद युवतियों के लिए आंखों के ऑपरेशन का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी यहां दी जा रही है। और साथ ही ट्रस्ट ने युवतियों से ये अपील की है कि जिसको भी चश्मा है वो चश्मा उतारने के लिए इस कैंप का लाभ जरूर उठाएं। सनातन धर्म की जय, सभी प्यार से चो आयोलाल कयो झूलेलाल। सभी प्रेमी शहरवासियों के बुधाईंदे खुशी भी थे थी, खास सूचना भी दिनी वे थी, जी भी गरीब कन्याओं जिनके चश्मो पातल है शादियों में रुकावट अचे थी पी, उन पूज चालीसा साहब मंदिर ट्रस्ट उल्लासनगर पंजे के पारा कैंप लगाई वही है। वह है 6 मई आतवार के ढी सुबह 9 बजे पूज चालीसा साहब मंदिर में रखी वही है। उन फार्म भरे तोता पाया। हे खास कन्याओं के लिए जिनके वाजिबी खर्च से ऑपरेशन थी मुफ्त में चकास थी चश्मो लाइन की, बो जिनो चश्मे का नंबर वधो आए उनके भी घट कराण के लिए वह तपास मुफ्त में कई वेंदी। ये डॉक्टर की टीम प्रकाश कांकरिया अहमदनगर में खास मशहूर अचने वाला है, जे तवे ऐसी ऑपरेशन लाइ बुदाइंदा के दवाओं भी डींदा। यह ट्रस्ट पूज चालीसा साहब हर साल इन मई महीने में कंदा उनके यही प्रेमी के वेनती है तो भरपूर लाभ वो, छो जो नूर बिना सब धूर आए, अखियो आन तो जियापो आए, खास वेचार कन्याओं के रुकावट अची थी पी, छो जो चश्मे लाने के लिए 30-40 हज़ार लगता है, पर हे वाजिबी अघ में तवा वा उन्होंने उतने अहमदनगर वी वा उतने ऑपरेशन थी तवो चश्मो लही वो जो वो आए नंबर तो वो भी घटी वो। मेहरबानी कर भरपूर लाभ वो उल्लासनगर पंजे पूज चालीसा साहब मंदिर में वही फार्म भरियो। यो 6 मई आतवार के सुबह 9 बजे रखल है, तमाम भी अचो बेन के बुधाओ जिनके भी यो लाभ वो है, तुम बेन के बुधाइंद तो यो भले को कम थी, छो जो भलो करण फर्ज असो है, धर्म है, इन यो तवा के वेनती थी कही वे तो जो कैंप जो भरपूर लाभ वो। बोलो सनातन धर्म की जय। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। रविवार 6 मई से स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र और पतंजलि योग समिति द्वारा मोटापे को कम करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है जो लगातार 10 दिनों तक चलेगा। लोगों से अपील है इसका लाभ जरूर उठाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पतंजलि योग समिति का हमारे अपने शहर उल्लासनगर में आगमन हो गया है और हाल ही में
यहाँ के योग शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। तो रवि जी बताइए, टोटल कितने, कुल मिलाकर कितने योग शिक्षक बने हैं जो समाज में जाकर लोगों को योग के माध्यम से रोग मुक्त करेंगे? इस हाल ही में किए गए शिविर में 38 योग शिक्षक बने, जो अभी समाज में विभिन्न शिविरों के माध्यम से लोगों को रोग मुक्त करेंगे जी। तो अब नेक्स्ट क्या है, आगे किस पायदान पर शुरुआत हो रही है कि अब उनकी ट्रेनिंग हो गई, प्रशिक्षण हो गया, अब कब किस शिविर का आयोजन हो रहा है? आने वाले रविवार दिनांक 6 मई से 10 दिन के लिए स्पेशल वेट लॉस शिविर करने जा रहे हैं, जिसमें इसकी विशेषता यह रहेगी कि पहली बार स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र के साथ हम जॉइंटली ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र पहले से ही शिविरों का आयोजन कर रहा है, तो इस बार पतंजलि योग समिति और स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की तरफ से संयुक्त तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन हो रहा है जी। बिल्कुल, इसमें स्वामी शांति प्रकाश जी योगा केंद्र से हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हमारे साथ रहेंगे, जिसमें डॉक्टर कमलेश जैसनानी, मुस्कान जी और भी कई साथी हमारे साथ रहेंगे। इससे लोगों को बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस टीचर से सीखने मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं पतंजलि के बाद स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र के योग शिक्षक और हीलर श्री कमलेश जैसनानी जी से। प्यारे साथियों, जैसा कि अभी हमारे रवि भाई ने आपसे बताया कि पहली बार पतंजलि योग पीठ और स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र मिलकर इस शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस शिविर में जिनको, जिन भाइयों बहनों को वेट लॉस नहीं होता है क्योंकि हार्मोन्स की उनमें गड़बड़ियां होती हैं, तो उस बारे में उन्हें विस्तार से समझाया जाएगा, उसके बाद उनका बड़ी आसानी से वेट लॉस होगा, यह बिल्कुल पक्की बात है। तो यह शिविर होने जा रहा है गोल मैदान मिड टाउन रोटरी पार्क में 6 मई से सुबह 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच में। तो अधिक से अधिक लोग आकर इसका लाभ लें। हाँ, तो और एक बात का खुलासा करना चाहूँगा, आज के इस तनाव भरी ज़िंदगी में, इस तनाव के कारण जो हमारे मस्तिष्क में ADHD हार्मोन बनता है, उसके कारण हमारी सेहत और मोटापा कंट्रोल में नहीं रहते, तो इसका एकमात्र उपाय बनता है योगिक क्रियाएं, और उसमें भी प्राणायाम का महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, बाबा रामदेव जी की खासियत ही है प्राणायाम के जोर पर पूर्णतया स्वस्थ होना। और हाँ, एक खास बात, इस शिविर के माध्यम से जो भी साधक 10 किलो के आसपास वेट लॉस कर रहे हैं या 40 दिन के अंदर अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं, उनको आने वाले 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पे हम सम्मानित करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में। इसमें 20 जून को गेटवे ऑफ इंडिया पे पतंजलि द्वारा आयोजित बड़ा सा प्रोग्राम है, और 21 जून को एंटीला में स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र द्वारा आयोजित प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सम्मानित किया जाएगा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू करवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से या होम रेमेडीज के जानकार से, जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने के टिप्स। नमस्कार, हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आपका फिर से बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर दो तरीके के होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और दूसरा लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के कई कारगर उपाय हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको बता दें कि एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज हम हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन में आपको बताएंगे ऐसे कारगर उपाय जिससे आप लो ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। एक ग्लास पानी का लें, जिसमें 10 पत्ते तुलसी के, 5 काली मिर्च और 2 लौंग डाल दें, उसे उबालें और उस गर्म पानी को ठंडा करने के बाद दिन में एक बार ज़रूर पिएं। खाली पेट पिएं, चुस्की लेते हुए पिएं, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। दूसरा कारगर उपाय है शहद और लहसुन यानी गार्लिक। एक चम्मच शहद ले लें, उसमें 1/2 चम्मच लहसुन का रस मिला लें, उन दोनों को मिक्स करें और दिन में 3 बार
उसे पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा हम आपको होम रेमेडीज़ का एक ऐसा अचूक उपाय बताते हैं जो बहुत लोगों पर कारगर सिद्ध हुआ है, वो है हल्दी, धनिया, अदरक और इलायची। जी हाँ, हल्दी, धनिया, अदरक और इलायची का पाउडर आप एक गिलास दूध में डाल दें, थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें और दो चम्मच उसमें मिश्री डाल दें और उसकी चाय बनाकर रोज़ सुबह खाली पेट पिए। थोड़े दिनों बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपका लो ब्लड प्रेशर गायब हो गया। हीमोग्लोबिन की कमी और इम्यूनिटी सिस्टम में कमज़ोरी होने के कारण ही लो ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए आपको करना है वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, अभ्यास, ध्यान, विपश्यना। खुद को जितना चुस्त रखेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है हंसना, खिलखिलाना, तनाव मुक्त रहना। अगर आप मुस्कुराते हैं, हंसते बोलते हैं तो आप लो ब्लड प्रेशर से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। एक सबसे बड़ा इलाज आपको बताते हैं कि ताली बजाने से भी आपका ये रोग पता नहीं कहाँ शुमंतर हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स होती हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो एक्यूप्रेशर की वो सारी पॉइंट्स प्रभावशाली बन जाती हैं और आपको लो ब्लड प्रेशर से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर आप इसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन के ये उपाय ज़रूर अपनाएं। तो मिलते हैं हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस के अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें ताकि देश और दुनिया के लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसी कोई घटना घट रही है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।